पाकिस्ट्री पॉइंट में मैं हूं हुसनैन राना आज हम आपको बताएंगे गवर्नर जनरल मलक गुलाम मोहम्मद ने आइन की किन वजूहत की बिना पर दस्तूर साजिश समली को घर भेज दिया वजीर अजम महमद अली बोगरा ने दो साल दो महीने और छब्बीस दिन बतौर वजीर अजम पाकिस्तान की खिदमत की चले आज उनके दो साल दौरे हुकूमत पर नजर दौड़ाते हैं और उनके तश्ील करदा आयन के बारे में आपको बताते हैं जी हाँ वजी अजम महमद अली बोगरा का पहला ऐलान ये था कि उनका बुनियादी हदफ़ आइन की तैयारी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान उन्होंने इस मकसद में गहरी दिलचस्पी जाहिर की और सिर्फ छः माह में बोगरा फार्मूला तैयार कर दिया ये आयन बनाने का बुनियादी प्लान था जो सात अक्टूबर उन्नीस सौ तिरपन को दस्तूर साज इसमी में पेश किया गया बोग्रा फारे का पाकिस्तान के दोनों बाज़ुओं मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दोनों में खैर मुकदम किया गया बोगरा फार्मूले के चंद नकाज ये थे हर सूबे को ऐवा बाला में दस सीटें मिलेंगी इसका मतलब ये था कि कुल सीटें पचास होंगी ऐवान ज़री में तीन सौ सीटें होंगी जो बादी की बुनियाद पर तकसीम की जाएंगी मशर्की बंगाल को एक सौ पच्चीस सीटें दी गई पंजाब को पचहत्तर सिंध और ख़ैरपुर को उन्नीस शुमाल मगरबूबा सरहद और कबाइली इलाक़ों को चौबीस सीटें दी गई बलोचिस्तान और नवाबीन की रियासतों को अठारह सीटें मिलेंगी इसका मतलब था कि पाकिस्तान के हर बाजू को ऐवान बाला और ऐवान जरी में एक सौ पचहत्तर सीटें मिलेंगी दोनों ऐवानों के अख्तियार मसावी होंगे इसकी यकीन दहानी के लिए कि कोई बाजू गलबा हासिल ना कर सके सदर और वजीम के दो अलग बाज़ुओं से होने की तजवीज़ थी सदर का इंतब दस्तूरसा इसम्बली के दोनों ऐवानों के मुशतरक इजलास में होगा और इसके अहदे की मदत पाँच साल होगी इन्होंने उल्मा के बोर्ड का खात्मा कर दिया और इसकी जगह सुप्रीम कोर्ट को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया वो किसी भी कानून के इस्लामी तलीमत के खिलाफ होने के बारे में फैसला देगा चौदह नवंबर उन्नीस सौ तिरपन को एक कमेटी बनाएगी ताकि बोगरा फार्मूले के तहत तैयारी कर सके इससे पहले कि यह कमेटी अपना काम मुकम्मल करती मतलब गुलाम अहमद ने इसमली महमद अली बोगरा को बतौर वजीर अजम दूसरी बार काम करने की इजाज़त दी गई इन्होंने सतारह अक्टूबर उन्नीस सौ चौवन को दूसरी बार हल्फ उठाया कश्मीर इनका दूसरा मसला था जिनको वजीर अजम मोहम्मद अली बोगरा हल करना चाहते थे उन्नीस सौ तिरपन में भारतीय वजीर अजम नेहरू और मोहम्मद अली बोगरा की काफ़ी मुलाकातें हुई थी लेकिन इस मसले का कोई हल नहीं निकला था उन्नीस सौ चौवन में दोनों में बिला बिलाआर इतफाक राय हो गया कि उन्नीस सौ चौवन में ही कश्मीर में राय रायशुमारी करवाई जाएगी लेकिन भारतीय वजीर अजम नेहरू कुछ दिन के बाद अपना वादा निभाने से बुकर गए और पाकिस्तान पर यह इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान अमरीकी इमदाद हासिल कर रहा है जैसा कि आप जानते हैं कि मोहम्मद अली बोरगा अमेरिका में सफ़ीर रह चुके थे इसलिए उनके अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुक थे उन्हें उनकी काबिलियत यह थी कि उन्हें अमेरिका की पुष्ट बनाई हासिल थी जब वो पाकिस्तान के वजीर आजम बने तो पाकिस्तान ने अमरीकी इमदाद वसूल करने का भी ऐलान कर दिया और फिर कराची में गंदम से भरे ऊँटों की बोरियां सब ने देखी जिस पर थैंक यू अमेरिका थैंक यू अमेरिका की तख्तियां आवेज़ा थी इन तल्लु की मजबूती की एक वजह यह भी थी कि अमेरिका और रूस दोनों आलमी ताकतें थीं रूस के भारत के साथ गहरे ताल्लक थे क्योंकि उनके सियासी मामल यकसा थे अब अमेरिका के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो पाकिस्तान के साथ मजीद ताल्लुक को बढ़ाए इन तल्ल का पाकिस्तान को यह फ़ायदा हुआ कि पाकिस्तान को फौजी और इकसादी इमदाद मिलने लगी वजीर अजम महम्मद अली बोगरा जिन्होंने गवर्नर जनरल मलक गुल महमद की खुश आमद को वरदे जुबा जाना खुश आमद की अनतहा यहाँ तक कि आज के लोग सुनकर दंग रह जाएँ जी हाँ अमेरिका को दोस्ती के तहत पाकिस्तान को रेलवे के चंद पुराने इंजन भजवाना थे जिन्हें गवर्नर जनरल मलक ग़ुलाम महमद ने वसूल करना था जब गवर्नर जनरल मलक ग़ल महमद रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना होने लगे तो वजेर अजम महमद अली बोगरा ने गवर्नर जनरल को खुश करने की खातिर उस फौजी नौजवान को मोटरसाइकिल से उतार दिया जो इस प्रोटोकॉल का हिस्सा था और ख़ुद गवर्नर जनरल की गाड़ी के आगे मोटरसाइकिल चलाने लगे जब काफिला रेलवे स्टेशन पहुंचा तो वज़ी अजम अली बोगरा ने एक और अजीब हरकत की जी हाँ इन्होंने रेलगाड़ी के ड्राइवर को उठा दिया और उसकी टोपी ख़ुद पहन रेलगाड़ी को ड्राइव करने लगे इन शोदाबाजियों के बावजूद मोहम्मद अली बोगरा की हकूमत की गाड़ी ना चल सकी गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के साल असम्बली को बरतरफ करने के बाद पाकिस्तान को जमहूरियत के ट्रैक पर डालने के लिए एक अमली कोशिश की गई और ये अमली कोशिश इस वक्त के बरतरफ हुकूमत के स्पीकर मौलवी तमीज़ुद्दीन ने की इन्होंने सिंध हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और दरख्वास्त पेश की कि गवर्नर जनरल के फ़ैसले को मुस्तरद करार दिया जाए पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है इसको ग़ुलामी के एक्ट के मुताबिक नहीं चलाया जा सकता सिंध हाई कोर्ट ने इसम्बली को बहाल करने का फ़ैसला कर दिया एक बात तो जमहूत की जीत हुई और उम्मीद पैदा हुई कि पाकिस्तान जमूरियत के ट्रैक पर आगे बढ़ेगा लेकिन ये उम्मीद उस वक्त दम तोड़ गई जब जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने सिंध हाँ कोर्ट के फ़ैसले को ही कलादम करार दे दिया जी हाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस मोहम्मद मनीर और साथी जजेस ने 1935 के बरतानवी आइन के तहत गवर्नर जनरल के फ़ैसले को दुरुस्त करार दे दिया ये फैसला जिसने इस्लामी जमहूर पाकिस्तान को गहरी दलदल में धकेल दिया एक चार से किया गया जिन जजेज़ ने लिखा कि गवर्नर जनरल का फैसला दुरुस्त है वो चार थे और एक जज जिन्होंने इन सब का बाइकॉट किया इन सब का अख्तलाफ किया वो थे जस्टिस एलवन रॉबर्ट इन्होंने लिखा कि पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तियार मुल्क है इसकी इसम्बली को बरतानवी आइन के तहत नहीं तोड़ा जा सकता ये सब कुछ अभी चल ही रहा था इसके साथ साथ गवर्नर जनरल मल गुलाम मोहम्मद की सेहत भी तेज़ी से ख़राब हो रही थी ख़राब सेहत के बावजूद वो अपने इकतदार की कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते थे ऐसे में 1955 में सिकंदर मिर्ज़ा और जनरल अयूब ख़ान ने इनको ज़बरदस्ती इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजा और इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया नए आने वाले गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा थे सबका गवर्नर जनरल जिन्हें इलाज के लिए बैरून मल्क भेजा गया था वो सेहत याब तो ना हो सके अलबत्त एक साल के बाद खाल के हकीकी से जा मिले। पाकिस्तान के तीसरे वज़ी अजम कौन थे सिकंदर मिर्ज़ा का दौरेकूमत कैसा रहा आपको बताएंगे पाकि पॉइंट की नेक्स्ट एपिसोड में जब तक के लिए इजाज़त दीजिए